आज गांधी जयंती के परम पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूर्ण स्मृति को सादर नमन करती हूँ। महात्मा गांधी के जीवन से तथा उनके विचारों से व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आध्यात्मिक सुधार की अनगिनत शिक्षाएं मिलती है। गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता के अभाव में स्वराज सार्थक नहीं होगा। स्वच्छता को वे शारीरिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक शुचिता के लिए अनिवार्य समझते थे। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इस महत्वपूर्ण कथन का गांधी जी अक्सर उल्लेख किया करते थे। पर्सनल हाइजीन के महत्व के बारे में गांधी जी से जुड़े एक संस्मरण को साझा करना मुझे अच्छा लगता है। एक बार गांधी जी ने कस्तूरबा से बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करने का आग्रह किया। कस्तूरबा ने पूछा कि वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, बच्चों की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। किसानों के बच्चों को इकट्ठे करो, उनके आंख दांत देखो, उन्हें स्नान कराओ, सफाई की आदत डालो। ये कम शिक्षा नहीं है? बच्चों में स्वच्छता का संस्कार पड़े और उन्हें संतुलित आहार मिले तो पूरी पीढ़ी स्वस्थ होकर आगे बढ़ेगी। सरकार ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की निर्माण की दृष्टि से अनेक अभियान चलाई है तथा उन्हें जन आंदोलन का रूप दिया है। हाल ही में 27 सितंबर के दिन में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड सेरेमनी के लिए इंदौर गई थी। वहाँ जगह जगह पर बोर्ड लगा हुआ थे जिन पर लिखा था, स्वच्छता का आनंद लीजिए, आप इंदौर में है। मुझे इंदौर के सामान्य निवासियों की स्वच्छता के प्रति निष्ठा के उदाहरण भी सुनने को मिले। मैं चाहूंगी कि मीडिया के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छे उदाहरण से लोगों को अवगत कराएं। ऐसे प्रयासों से जन जागरूकता बढ़ेगी और व्यवहार परिवर्तन भी हो सकेगा। मैं निरंतर 9 वर्षों से बनेगा स्वस्थ भारत वार्षिक कार्यक्रम को जारी रखने के लिए आप सबकी सराहना करती हूँ और 10वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि हाइजीन और न्यूट्रिशन से जुड़े आपके कार्यक्रम ने बड़ी संख्या में बच्चों तक अपनी पहुंच बनाए हैं, जो हमारे देश हेल्थ और हाइजीन के और अधिक प्रभावी मानक प्रस्तुत करेगा तो वन वर्ल्ड हाइजीन के संदेश से संपूर्ण विश्व समुदाय को भी प्रेरणा प्राप्त होगा। मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि बनेगा स्वस्थ भारत अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे तथा देश की विकास यात्रा में सार्थक योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।